गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई हूँ नहा धो के। एग्जैक्टली आज हमें थोड़ा सा बाहर जाना है आउटिंग के लिए, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्प्राउट का चीला बनाना शेयर करूंगी, जो कि बहुत हेल्दी होती है, प्रोटीन रिच होती है और जो लोग वेट लॉस जर्नी में अपना योगदान दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने चने के जो स्प्राउट हैं उनको ले लिए हैं और उसके अंदर 2 लहसुन की कली डाली है, हरी मिर्च डाली है 3 और 1 चम्मच जीरा डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड करके एकदम पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसको अब मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके अंदर बहुत सारी मटेरियल नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ऐड करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन काट के डाला हुआ है बारीक, और उसके साथ ही फ्रोज़न कॉर्न जो है इसको भी मैं दरदरा पेस्ट बना लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। और उसी के साथ मैं इसमें सूखे मसाले, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी पाउडर और नमक डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालना है इसमें। और ये बिल्कुल, मतलब कि जो बैटर है वो बिल्कुल बन के रेडी है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए बैटर को तैयार कर लेना है। बैटर बन के बिल्कुल रेडी है। चीला तैयार करने के पहले चलिए चटनी बना लेते हैं, फिर गरम गरम चीला बनाएंगे और चटनी के साथ सर्व कर देंगे। इसके लिए मैंने टमाटर ले लिया है, देखिए टमाटर ले लिया, उसमें मैं 2 लहसुन डाल रही हूँ। उसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी और उसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा शक्कर डालूंगी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते हो, ये चटनी इतनी अच्छी लगती है। मैंने आज तक जिन जिन को भी ये चटनी बना के खिलाई है, सबने मुझसे रेसिपी पूछी है, सबको बहुत पसंद आती है। आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके मुझे बताइएगा। चटनी बन के बिल्कुल रेडी है और अब चलिए हम लोग चीला तैयार कर लेते हैं। मैंने चीले के लिए जो है एक लोहे के तवे में, जिसमें मैं रोटी तैयार करती हूँ वही तवा लिया हुआ है। लोहे के तवे में चीला वगैरह बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं चीले के लिए ना जो अपना नॉनस्टिक पैन है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं नॉनस्टिक पैन बहुत कम यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है, डाउट होता है कि नहीं ये चीज़ मैं बनाऊंगी तो चिपकेगा, तब मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर लोहे के तवे पे ही, जिसमें मैं रोटी तैयार करती हूँ उसी को यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, हल्का सा घी स्प्रेड करते हुए आपको ये चीला बना लेना है, ऐसे इसको पलट देंगे और ये बन के बिल्कुल रेडी है। 5 से 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। और ये देखिए, मैंने चटनी के साथ सर्व कर दिया है। अब मैं रायमा के लिए लेके जा रही हूँ, देखिए रायमा खुद से उठा के खा रही है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते हो, सच में मैंने फर्स्ट टाइम ये चीला तैयार किया और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को हर एक चीज़ खाने में अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत सोच समझ के नाश्ता तैयार करना पड़ता है, लेकिन आज उनको भी होपफुली ये नाश्ता बहुत पसंद आया। और ये खास कर ये प्रोटीन रिच जो नाश्ता है, इतना हेल्दी है, तो ये भी मेरे नाश्ते के लिस्ट में तो ऐड हो ही गया है। अब ये बनता ही रहेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और इतने कम समय में बनने वाले ब्रेकफास्ट को मैं अपने ब्रेकफास्ट लिस्ट में ना रखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसी के साथ मैं अब अपने लिए टमाटर की चटनी तैयार कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट सारे सेम रहेंगे, बस मैंने इसमें मिर्च ऐड की है। आप सूखा मिर्च ही ऐड करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया, अब मैं अपने लिए भी तैयार कर लूँगी क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है। और ये देखिए, मैंने अपना भी नाश्ता तैयार करके मैं भी नाश्ता करने बैठ गई हूँ। मैंने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको नाश्ता वाश्ता करा के उनको बिल्कुल फिट फाट कर दिया, वो लोग तैयार हो गए हैं, बस मैं ही रह जाती हूँ हमेशा। और सबके साथ मेरे ख्याल से ये चीज़ है, जो गृहिणी होती है वो सबको खिला पिला के फिर बाद में अपना तैयार करती है। इसी चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मेरी वजह से ही लेट हो जाता है। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तुम कभी भी टाइम पे तैयार नहीं हो सकती, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आप लोगों को तो टाइम पे तैयार कर देती हूँ ना, आप लोगों को तैयार करने के चक्कर में ही मैं लेट हो जाती हूँ। फिर चुप हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते। और जैसा कि देख सकते हो, हम सब ने नाश्ता वाश्ता करके बस हम लोग निकल पड़े हैं। नाश्ता भी हैवी हो गया है तो हमें काफ़ी टाइम तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि देख सकते हो, बस हम लोग निकल गए हैं।
बच्चों को लेके निकले हैं। रायमा मेरी बहुत खुश होती है आउटिंग के नाम पे, और ये देखिए कितना कुछ बोल रही है, कुछ गा रही है। देखिए तो क्या गा रही है, अच्छे से गाओ। जो बच्चे बच्चे। अरे जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ। मेरी रैमा को माशन द बेयर कार्टून इतना पसंद है कि उसको मौका मिलते ही वो उसी का गाना गुनगुनाने लग जाती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए सोचा कि इस बार हम लोग चलिए विशाल मेगा मार्ट ही चलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से विशाल मेगा मार्ट आई हूँ, इधर आना नहीं हो पाता टाइम की कमी की वजह से। और इसी के साथ साथ मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि आज मेरी कटिंग हो गई, और विशाल मेगा मार्ट के साइड में ही था ये सैलून। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मुझे ऐसे ही छोटे बाल अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद हम आ गए साइकिल की शॉप में, बहुत बड़ी सी शॉप है आप देख सकते हो, इतनी सारी साइकिल है कि आप कन्फ्यूज़ ही होगे कि कौन सा ले कौन सा ना ले। एक्चुअली शॉपिंग के लिए हमें साइकिल लेनी है। शॉपिंग ने मुझे बोला था मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो मुझे साइकिल दिलाओगे ना, तो मैंने बोला था हाँ बेटा फर्स्ट आओगे तो ज़रूर दिलाऊँगी। होपफुली वो फर्स्ट भी आया, भले ही वो फर्स्ट क्लास में है लेकिन उसके लिए बड़ी अचीवमेंट है। और उसके लिए हमने साइकिल ले ली और साथ में रायमा के लिए भी ली है, और घर जाके हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके की साइकिल ली है। और ये देखिए हम लोग बस घर के लिए निकल पड़े हैं, रायमा सामने बैठ के नमकीन खा रही है, उसको भूख लग गई है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। बच्चा इस टाइम तक आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर परेशान करने लगता है। अब मुझे भी लग रहा है कि बस जैसे तैसे घर पहुंच जाएं। फाइनली हम घर पहुंच गए, और ये रही रायमा की हीरो की साइकिल, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इधर है शॉबिक की साइकिल, ये देखिए उसे बहुत अच्छी लगी, उसी ने चूज़ की है, रेडियंट की साइकिल है उसकी। और ये देखिए दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, टिल देन।